हम जानेंगे एंजल बॉर्न शेयर को लेकर हमारे बाजार के स्पॉट। कानपुर से रजनीश जी हमारे साथ हैं। रजनीश जी स्वागत करते हैं, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है। मैम मैंने एंजल वन के शेयर्स ले रखे 92 1294 की खरीद से। तो मैं क्या करूं? ओके, एंजल वन 1294 की खरीद है, कब तक आप रख सकते हो? मैम रख सकता हूँ, लॉन्ग टर्म रख सकता हूँ। अच्छा, एंजल वन पे क्या रहा है आपकी सर, लॉन्ग टर्म रख सकते हैं? नहीं बिल्कुल, देखिए इन्होंने थोड़े से ऊपरी लेवल पे ये खरीदा है, लेकिन जिस प्रकार का वॉल्यूम मार्केट शेयर और जिस प्रकार का एफएनओ वॉल्यूम एंजल वन ने कमाया है, प्लस इनका पूरा मॉडल ऑनलाइन जा चुका है, तो दूसरे ब्रोकिंग कंपनीज के मुकाबले में इन्होंने ग्रोथ बहुत बढ़िया दिखाया। और मुझे लग रहा है कि आने वाले 6 से 12 महीने में होपफुली कैपिटल मार्केट अगर वोलेटाइल भी होता है, तभी वॉल्यूम्स अगर इनके पास रहते हैं तो इनका प्रॉफिट मार्जिन और उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। तो साल भर के नजरिया से इनको होल्ड करना चाहिए, डेफिनेटली थोड़ा सा इंतजार करें, क्योंकि जैसे जैसे मार्केट का सेंटिमेंट बढ़ेगा, वॉल्यूम्स बढ़ेंगे, तो डेफिनेटली एंजल वन को भी फायदा होना चाहिए। ओके, बने रहे एंजल वन में।